हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोरोना संकट काल में स्पेन से पूरी दुनिया को राहत देने वाली खबर आई है। और ये राहत देने वाली खबर क्या है, फटाफट आपको बता देते हैं। स्पेन में पिछले 5 हफ्ते से मृत्यु दर में गिरावट का दौर जारी है। कल वहाँ 20 मार्च के बाद सबसे कम मौतें दर्ज की गई। देखिए, इटली के बाद स्पेन ही एपिसेंटर बना था यूरोप में कोरोना का, लेकिन स्पेन में ये दर हुई कम कैसे, वहाँ क्या प्रयास हुए जिसके बाद 1-1.5 महीने बाद वहाँ राहत मिल रही है लोगों को, हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी। ये वही स्पेन है जहां कोरोना वायरस की वजह से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद अगर किसी देश पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की मार पड़ी है तो वो स्पेन ही है। स्पेन में कोरोना से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, वहीं 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन 5वां हफ्ता स्पेन के लिए राहत की खबर लेकर आया। तेजी से ऊपर जा रहे कोरोना वायरस से मरने वालों के ग्राफ में गिरावट देखी गई। 20 मार्च के बाद पहली बार मौत का आंकड़ा 300 से कम हुआ। पिछले 24 घंटे में 288 लोगों की मौत हुई। वहीं 17 मार्च के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन 2000 से कम हुई। अपने माता पिता के साथ सड़क पर घूमते बच्चों की ये तस्वीर स्पेन की राजधानी मैड्रिड की है, जहां सरकार ने 44 दिनों के लॉकडाउन के बाद बच्चों को घर से निकलने की इजाजत दी है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्पेन में धीरे धीरे जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है। आखिर स्पेन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस की रफ्तार कम कैसे हुई? स्पेन में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई गई। लगभग 12 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। स्पेन में 14 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। सामाजिक दूरी और स्वच्छता से कोरोना के केस में कमी हुई है। स्पेन में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में गिरावट पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये मंथन बताएगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो किन शर्तों के साथ बढ़ेगा। अपनी जगह से उठकर मैं दरअसल स्क्रीन पर इसलिए आई हूं क्योंकि आपको समझा पाऊं कि दक्षिण अफ्रीका मॉडल, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है दुनिया भर में, कैसे दक्षिण अफ्रीका लड़ा कोरोना से, आप समझिए। लेवल 1 ट्रांसपोर्ट भी वहां पर चालू हो गया है। जहां बहुत कम है कोरोना, उस दक्षिण अफ्रीका की आपको हम बात बता रहे हैं। दूसरे क्षेत्रों में जाने की अनुमति यहां पर अब दे दी गई है, पहले से काफी बेहतर है स्थिति। लेवल 2 में जब ये आया, देश तो निर्माण, उद्योग, खनन, सरकारी सेवा, संस्थान सेवाओं को इजाजत दे दी गई काम करने के लिए। लेवल 1 में क्या था, अब लेवल 2 पे है। तो लेवल 2 पर क्या फैसला लिया गया, ये आपको हम बता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में लोकल हाईवे सेवा, टैक्सी, स्थानीय ट्रैफिक, इसको इजाजत मिल गई थी। लेवल 2 की हम बात कर रहे हैं जब ये देश लेवल 2 पर आया। लेवल 1 और 2 के बीच आवागमन को अनुमति दी गई थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दक्षिण अफ्रीका के लिए कुछ बड़ी बातें जो निकल कर आई। लेवल 3 में सरकारी सेवाएं, सीमित दुकानों को इजाजत दी गई कि वो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन सीमित यहां पर चीजें रखी गई। ई कॉमर्स को इजाजत दी गई। ये सब कुछ लेवल 3 में आके किया गया है, ध्यान रखिएगा। लेवल्स अलग अलग बांटे इस देश ने और ऐसे ये कोरोना के खिलाफ लड़ा। सीमित उद्योगों को शर्तों के साथ अनुमति दी खुलने की, लेकिन ये सब लेवल 3 में हुआ। लेवल 1 में स्थितियां बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी। सीमित ट्रांसपोर्ट को अनुमति दी गई लेवल 3 में, जहां कोरोना कम लेकिन तैयारी भी काम की थी, यह हम आपको दिखा रहे हैं। शर्तों के साथ बाहर निकलने की इजाजत लेवल 3 में दी गई। दक्षिण अफ्रीका मॉडल से क्या दुनिया कुछ सीख सकती है, देश कुछ सीख सकता है, ये बताने की जोर आजमाई। और सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही नहीं, ऐसे तमाम देश हैं जिनके मॉडल्स की चर्चा हो रही है, जिसको समय समय पर हम नमस्ते भारत में आपको दिखाते रहे। मकसद यह है कि हम लोग ऐसी किसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ सीख सकते हैं।